महानगर के थाना मुगलपुरा अंतर्गत वारसी नगर निवासी रानी परवीन नामक महिला ने अपने देवर आदि पर उसके साथ मारपीट करने और पैसे वापस न किए जाने का आरोप लगाया है। सोमवार को पीड़िता द्वारा एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें एसएसपी से देवर तनवीर आदि के खिलाफ कार्यवाही की जाने की मांग उठाई गई है। पीड़िता रानी परवीन ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। घर पर रह रहा है, तो इन्होंने ससुराल वालों ने हमें मार तोड़ कर घर से निकाल दिया था 2 साल पहले। अब हमारा मुकदमा दर्ज था तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब हम फिर से आवाज़ उठा रहे हैं, जब जब आवाज़ उठाते हैं तो हमारी जान लेवा हमला करते हैं हम पे। तो हम अब फिर से आवाज़ उठाई तो फिर से हम पे मतलब पैसे नहीं दे रहे हैं, ना हमें रहने देते, घर पे नहीं रहने देते। पैसा लिखवाया है इन्होंने, मतलब घर का हिस्सा 2 लाख 3 लाख रुपये लिखवाए थे इन्होंने। अब 2 लाख 80 हज़ार रुपये मतलब देने का इनका वादा था, तो वो भी नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि अगर पैसे की मांग करी तो जान से मार देंगे। हम जब भी आते हैं मेरी बच्ची का सरवा सब फाड़ दिया और मेरे आदमी की गाड़ी तलक के छीन ली इन लोगों। कोई रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? जी। कोई कार्रवाई हुई उसमें? नहीं। आज किससे मिली थी आप? ये कह रहे हैं अगर पुलिस से मिलोगे तो पुलिस हमारी जेब में रहती है। आज किससे मिली थी आप? आज का कप्तान साहब से। क्या मांग की आपने? यही है कि मतलब हमें इंसाफ मिले, हमारा पैसा मिले। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम किराए पर रहते हैं ना, तो हमारा किराया नामा लिखा हुआ है, किराए नामे के हिसाब से पैसे भी नहीं देते हमें।